नमस्कार दोस्तों, देखो आज हम कुछ आयुर्वेदिक में जो एलोवेरा है, जिसे घृत कुमारी भी बोलते हैं, ये एलोवेरा, घृत कुमारी, ग्वार का पट्टा, घी कुआर, इसे अलग अलग भाषाओं में नाम दिया जाता है। तो इसके फायदे बताएंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं। पहले इसका डेमो करके दिखाते हैं कि आज की डेट में मार्केट में इतनी गंदी गंदी चीज़ें हम खाते हैं, ऐसी भी कोई भी शुद्ध एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें केमिकल की मात्रा ना पाई जाती हो। आज जो हम खेती में अनाज उगाते हैं, उसमें भी डाई, यूरिया, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, और जो मार्केट में जो चीज़ें आती हैं या फल सब्जी खाते हैं, उसमें भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जैसे कि रात को खीरा बढ़ाना है, या तोरई बढ़ानी है, या घिया बड़ी करनी है, तो रात को उसके पेड़ में इंजेक्शन लगाया जाता है। और वो इंजेक्शन होता कौन सा है, जो हमें गाय भैंसों को लगाया जाता है दूध उतारने के लिए, वो पेड़ की जड़ में इंजेक्शन लगाया जाता है। रात को तुरई इतनी चार उंगली की होगी, सुबह तोड़ लेते हैं। तो सारी चीज़ें हाईब्रिड आ रही हैं, उनसे बचाव के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताएंगे। ये एलोवेरा है, घृत कुमारी भी बोलते हैं, ग्वार का पट्टा भी बोलते हैं। तो इसका पहले डेमो करके दिखाते हैं कि अंदर में ये जो हमारी आंतें होती हैं, उनको साफ कैसे करता है, एक फिल्टर कर देता है। ये डेमो दिखाएंगे। ये देखो, ये बीटाडीन लोशन है, सभी जानते हैं, इससे पट्टी की जाती है जख्म की। ये शुद्ध पानी है, ये देखो शुद्ध पानी है, मैं पी के दिखा दूंगा। ये देखो, अब इसको इसमें डालते हैं, ठीक है। इसको हमने इसमें डाल दिया। बिटाडीन का कलर अगर कहीं लग जाता है, ये देखो, ये बिल्कुल शुद्ध पानी था, ये कलर हो गया। अगर इसका दाग हमारे कपड़े पे लग जाए तो साबुन से भी नहीं छूटता है। पर देखो ये एलोवेरा कैसे काम करता है, ये इसमें लटरा से निकलता है। इसको हम इस तरह इसमें डालेंगे, ये देखो, ये देखो दोस्तों, मैं आपके सामने डाल रहा हूँ इसको। इसको डाल देते हैं हम, देखो दोस्तों, देखते ही देखते पानी किनील हो जाएगा। ये देखो, इसको जोर से निचोड़ दो। ये देखो दोस्तों, ये हमने ऐसे कर दिया। देखो दोस्तों, थोड़ा नज़दीक लाओ, ये पानी बिल्कुल किनील हो गया। तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारी माताओं बहनों को, भाइयों के ये फटते हैं, या माता बहनों को छाइयाँ निकलती हैं, तो वो रात को लगा के इसका जो रस होता है गुदा, उसको रात को लगा के सो जाएं और सुबह साबुन से धो दें। कोई भी क्रीम लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छी लगती है। तो इससे स्किन जो है बिल्कुल चिकनी हो जाती है, हमारे जो स्किन है फटनी कम हो जाती है। और ये जो आजकल हमारे सभी को गैस की प्रॉब्लम है, और गैस बनने से ही हमें सारी बीमारियां बनती हैं, तो गैस के लिए रामबाण है। पर ये जो है खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य क्यों नहीं है, इसमें पांच प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें एलोवेरा में एक बाल निकलती है। और खाने योग्य हमारा जब बनता है, ये हरे हरे पत्ते नहीं खाने हैं, इसके नीचे पीला भाग होता है, उसे हम खाते हैं, तो वो खाने योग्य होता है। ये गैस के लिए रामबाण दवा है। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से 11 बजे के बीच अगर कॉल करते हैं, तो आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।